हेलो फ्रेंड्स, लेमन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पॉलिटिकल ही अगला टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इसके रिलेटेड मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको जानने भी जरूरी है। पर उससे पहले आप वीडियो के नीचे बने बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, इस अधिनियम ने विधान परिषद में गैर अधिकारिक सदस्यों के संख्या में वृद्धि की, लेकिन फिर भी अधिकारिक सदस्य बहुमत में ही थे। इसका अर्थ ये है कि वायसराय द्वारा चुने जाने वाले अधिकारिक सदस्य बहुमत में ही थे। दूसरा पॉइंट है हमारा, वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद में गैर अधिकारिक सदस्यों को प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ ट्रेड की सिफारिश के साथ नामित किया जाता था। तीसरा पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम ने विधान परिषद को बजट पर कार्यकारी अधिकारियों से चर्चा करने का अधिकार दिया। इसका मतलब है कि पहली बार बजट पर चर्चा इस एक्ट से शुरू हुई। ये टॉपिक हमारे यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।